this way. अब आ रहा है तू, क्योंकि लाइट का आ रहा था ना, तो तेरी आई खाने, क्योंकि मैं हूँ चीज केक का दीवाना। अब यहाँ पे मैं जा रहा था तो मुझे एक टिकी शॉप चीज केक काफी अच्छे दिख रहे हैं, टेस्ट करते हैं। ये है वो चीज केक, तो शॉप का नाम है मिल्की वे बेकर्स, राइट। तो टेस्ट करते हैं इसका। अपना क्या नाम बताया? न्यूटेला हेजलनट। तो सेकंड वन इज चॉकलेट फैंटेसी, टेस्ट करते हैं। क्या
चिकन लाते हैं, वो लाते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं। सो एज पर देम दिस इज द बेस्ट सेलर एंड यस पहले वाले से मुझे ये ज्यादा बेटर लगा। रेटिंग टाइम तो इसको मैं रेट करूंगा 9 out of 10। ये ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट टाइम आओगे तो ट्राई करना चाहोगे? गाइस ये मेरे को लेके आया था कि एक क्लाइंट ले जा रहा हूँ और यहाँ पे आके मेरे को कैमरा पकड़ा दिया है और बहुत ही गलत हरकत की है इन्होंने, इसलिए मैं इनको दूंगा 5 out of 10। और क्योंकि इतने बढ़िया चीज़ लेके देखो फालतू कमियाँ निकालने में लगे, 10 out of 10 है इसके तो, पूरे 10 out of 10 है। इसकी बातें मत सुनना, थोड़ी बहुत सुन लेना, ज़्यादा नहीं सुनना। तो नई चौपाटी में अपने भाइयों ने टेरा लगा रखा है, शानदार चीज़ है। मैं हूँ कुछ भी ब्लॉगर, अभी यूट्यूब खोलने वाला हूँ और आप तो हम लोग अब खाने में लगे हैं चीज़ केक। क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे खूब सारे ब्लॉगर्स ही ब्लॉगर्स, यहाँ देखो इतनी इम्पोर्टेंट बात चल रही है लेकिन कोई मतलब नहीं इन बातों का, आप सब खाओ पियो टेस्ट करो। आ रहा ना तो बढ़िया रहा है, लेकिन जो मेन हीरो है इसको काटने वाले बेस्ट पार्ट बता दो इसकी, मेरी वाइफ ने 1 महीना पहले ये 1 kg का केक बनाया था जो मैं 2 दिन में खा गया था, तो मेरा फेवरेट है लोटस बिस्कॉफ, तो टेस्ट करते हैं ये अलग है। कैमरामैन फोकस करो, लेट कर दूं। इसका सर बेस बहुत पतला है, इसका बेस पतला आ रहा है बहुत, लोटस बिस्कॉफ का बेस अगर थोड़ा थिक होता तो अच्छा लगता, बट थोड़ा थोड़ा पतला रह गया। और अगेन एक चीज़ और, ये ठंडा चाहिए था, ये ऐसे में इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। मतलब फ्रिज वाला इशू आ रहा है, फ्रिज वाला इशू है तो बिल्कुल परफेक्ट। हाँ यहाँ पे फ्रिज वाला इशू है। ठंडा नहीं है तो टेस्ट भी इसका थोड़ा डिटेरेट हो गया है, अगर ठंडा होता थोड़ा फ्रोजन स्टेट में होता तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट में आता। अगर आपको फ्रिज वाले का इशू सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि पहले केक मारा और इसमें ज़्यादा ही आ रहे हो। तो ओरिजिनल रिव्यू ये है, सब बढ़िया है, आप खाओ पियो ऐड करो, कोई मतलब नहीं है वेटिंग वेटिंग का, कोई मतलब नहीं है, खाओ पियो ऐड करो और कुछ भी ब्लॉगर के साथ जुड़े रहिए। मनपुर टूर को ब्लॉग अनसब्सक्राइब और डिलीट कर दो। बहुत मोटा है, इसकी बात में भी ट्रेंड नहीं है यहाँ पे ना, तो लोगों को फिर भी वो पता चल रहा है, कितना भी नहीं है पैसे के, हम नहीं है अजमेर के लोगों को एक्चुअली अभी शायद पता नहीं होगा ज्यादातर लोगों को आना। और यहाँ पे आके मैं ठेला खोलूंगा तब जरूर आना। मैं चौपाटी पे ठेला खोलने वाला हूँ कुछ भी ब्लॉगर नाम से, मैं कोई भी ब्लॉगर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही ब्लॉगर आएगा और सब मैं ही खाऊंगा। मैं भी रहूँगा इसके साथ, मैं भी इसका पैक कर ले, मैं भी रहूँगा इसके साथ।
हम दोनों खाएंगे, मिलके खाएंगे यार। खाएंगे नहीं, बनाएंगे, बेचने की बात हो रही है यार। नहीं तू बनाइयो, मैं खाऊंगा। मैं एज अ कस्टमर आ जाऊंगा यार। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एज अ कस्टमर आने वाले हैं, इसलिए हम लोग वो ठेला बंद कर रहे हैं। ऑल ओवर एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को बुलाया गया था कि आपको केक एक चीज देखने ले जाना है, मैंने और यहाँ मुझे कैमरा पकड़ा दिया है, यहाँ व्लॉगिंग चल रही है। अन्याय हुआ है मेरे साथ। अन्याय की स्पेलिंग आती है अनन्या ने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए वो अन्याय हुआ था। कोई बात नहीं, अब हम अगली लोकेशन पे चलते हैं, मिलते हैं अगली लोकेशन।